हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग डेल्टा कॉर्प शेयर के ऊपर। स्टॉक में अगर देखेंगे, फ्राइडे के सेशन में स्टॉक जो है 0.31% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है। और लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन यानी कि इस पूरे वीक की अगर बात करेंगे, तो पूरे वीक में स्टॉक 3% नीचे क्लोज हुआ है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे, तो स्टॉक जो है तकरीबन 0.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक तकरीबन 3.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब इस स्टॉक के ऊपर आ चुका है एक न्यूज़, और न्यूज़ ये क्या है, जो जीएसटी ने आपको डिमांड किया है, नोटिस भेजा है, 16,800 करोड़ का जीएसटी का नोटिस जो है वो कंपनी को आपको मिला है। इनके सब्सिडरी के ऊपर नोटिस आया है। अब ये नोटिस क्यों इतना बड़ा है, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे अमाउंट है 16,800 करोड़ और इस कंपनी का मार्केट कैप है 4,697 करोड़ एज ऑफ फ्राइडे। तो यहां पे अगर देखेंगे तो मोर देन 3 times का जो है आपको जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे भी ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 times से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 3.5 times से भी ज़्यादा का ये डिमांड है। इसी वजह से ये काफ़ी बड़ा डिमांड होने वाला है। दो नोटिस मिला है, एक मिला है 11,140 करोड़ का और दूसरा मिला है 5,680 करोड़ का। ये जो आपको मिला है, एक कैसीनो डेल्टिन डेंजोंग जो कि डेंजोंग रेसिडेंसी सिक्किम में है वहां पे एक है, दूसरा आपको हाई स्ट्रीट क्रूज और तीसरा जो है वो आपको डेल्टा प्लेजर क्रूज। तो इन तीनों को नोटिस मिला है और टोटल जो है ये नोटिस का जो वैल्यू है वो है आपको 16,800 करोड़। तो चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर देखेंगे, मार्केट कैप 4,700 करोड़ का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपको 16.3% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4% का है। बेसिकली कंपनी जो है वो आपको कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, इन सभी चीज़ों में आपको डील करती है और वनली लिस्टेड कंपनी है जो कि आपको कैसीनो को ऑन करता है, ऑपरेट करता है। अब अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो 33.28% जो है वो प्रमोटर के पास है। FII के पास की अगर बात करेंगे तो FII के पास 6.68% है और FII ने यहाँ पे जून के क्वार्टर में 1.33% जो है इंक्रीज किया है। DII की बात करेंगे, DII के पास 18.04% का होल्डिंग है और DII ने भी यहाँ पे पोजीशन को जून क्वार्टर में इंक्रीज किया है। DII में अगर यहाँ पे बात करेंगे तो HDFC के टोटल, HDFC स्मॉल कैप फंड और HDFC म्यूचुअल फंड दोनों ही के पास मिला के अगर बात करेंगे, ऑलमोस्ट जो है 8.37% का होल्डिंग HDFC के पास है। नेक्स्ट जो है 2.5% का होल्डिंग क्वांट के पास है। यहाँ पे आपको पब्लिक में एक और बड़ा नाम है, मुकुल महावीर अग्रवाल स्मॉल कैप को कैप्चर करने के लिए जाने जाते हैं, 1.23% का होल्डिंग इनके पास भी है और इनका भी होल्डिंग जून क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। तो FII ने भी बाई किया है, DII ने भी बाई किया है और यहाँ पे HNI ने भी बाई किया है। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 365 करोड़ के सेल्स जो है कंपनी ने 3 times का सेल्स ऑलमोस्ट कर दिया है। 1021 करोड़ का सेल्स जो है कंपनी ने 2023 में पोस्ट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहां पे आपको 3 times हुआ है, इनफैक्ट 3.5 times से आपको ग्रो किया है। इसके साथ ही अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 67 करोड़ से जो है वो आपको 262 करोड़ का हुआ है।
यहाँ पे जो आपको एक अच्छा बात देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द इनकम जो है वो आपको कंपनी के मेन बिजनेस से है, यहाँ पे अदर इनकम से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है और कंपनी लगातार जो है प्रॉफिट में कर रहा है, प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है, साथ ही साथ सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो है लोग आपको जैसे जैसे पैसा आएगा कैसीनो ऑनलाइन गेमिंग इन सभी के ऊपर जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ने ही वाला है। 10 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ देखेंगे 9% का है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो आपको 24% का है, यानी कि कंपनी हाई मार्जिन पे काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस का देखेंगे तो 10% के CAGR से आपको ग्रो किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पैसा 10% ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा हाई CAGR देखने को नहीं मिल रहा है। बैलेंस शीट की अगर बात करेंगे तो बैलेंस शीट में जो आपको एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलेगी, बोरोइंग्स जो है कंपनी के पास काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया था, 2020 तक रिड्यूस करके बिल्कुल डेट फ्री हो गया था। वापस से यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा बोरोइंग जरूर बढ़ा है, लेकिन इस बोरोइंग के अगेंस्ट में अगर आप रिजर्व को देखेंगे तो 2,192 करोड़ का है, साथ ही साथ फिक्स एसेट को अगर देखेंगे तो 1,211 करोड़ का है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट भी अच्छा है, बोरोइंग जो है मतलब कि यानी कि डेट भी कम है। अगर हम लोग अदर लाइबिलिटीज में भी देखेंगे तो अदर लाइबिलिटीज में भी आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी अगर ऐड कर देंगे दोनों ही बोरोइंग्स पर अदर लाइबिलिटीज तो भी जो है यहाँ पे काफ़ी कंसर्निंग इशू नहीं है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट में कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा फिक्स एसेट है, रिजर्व्स है, बोरोइंग्स कम है, कंपनी जो है कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है, साथ ही साथ सेल्स जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे जो न्यूज़ आया है, सबसे पहला यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिला था जुलाई मंथ में, जब GST काउंसिल ने डिसाइड किया था जो 28% जो है वो आपको ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के ऊपर दिया जाएगा। उसके बाद से हम लोगों को एक शानदार गिरावट देखने को मिला था, अभी स्टॉक इस न्यूज़ को एब्जॉर्ब भी कर रहा था कि यहाँ पे वापस से एक और बड़ा न्यूज़ आ चुका है और वो है आपको जो 16,800 करोड़ का GST का नोटिस मिला है कंपनी को। अब इस नोटिस की वजह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कल होने वाला है एक ह्यूज गैप डाउन। अब ये गैप डाउन जो है वो आपको किस लेवल तक होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी यहाँ पे जो है सेंटिमेंट को देख के, क्योंकि स्टॉक एक नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक 150 के नीचे ओपन होना चाहिए। अब यहाँ पे बात होता है जो अगर आपके पास स्टॉक है तो फिर आपको यहाँ पे इमीडिएटली क्या करना है, यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, FII ने ई बाई कर रहे हैं, DIA भी बाई कर रहे हैं, अगर आपके पास है तो यहाँ पे कल के दिन पैनिक में आपको एग्जिट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए जो कल मार्केट इस न्यूज़ को किस तरह से ले रहा है, जरूरी नहीं है जो जितना भी न्यूज़ निगेटिव हो उसको मार्केट निगेटिव ही लेता है, हो सकता है मार्केट को पहले से पता हो या फिर बड़े बड़े लोगों को पहले से पता हो, तो इसी वजह से जो है हमेशा आपको नेगेटिव न्यूज़ गैप डाउन होने के बाद कहीं बाइंग अगर आ रहा है तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से बिल्कुल भी इमीडिएटली आपको एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल अगर इस स्टॉक को आप मंथली चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि डेली चार्ट पे देखने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे गैप डाउन होने वाला है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ऊपर की साइड में स्टॉक 330-350 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। डाउन साइड में स्टॉक जो है दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 2016 में इस लेवल पे सपोर्ट लिया है 50 रुपीज़ के लेवल पे, उससे पहले भी आपको 11, 12, 13 में भी सपोर्ट लिया है, वापस से 2020 में भी यहीं का लो लगा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, कल के सेशन में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर गैप डाउन कहाँ तक हो रहा है, उसके बाद ही हम लोगों को एक क्लियर कट आइडिया मिल पाएगा जो यहाँ पे इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो इमीडिएटली यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो इमीडिएटली आपको पोजीशन को भी ऐड नहीं करना है, ऐसा नहीं है जो गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आप बाई कर ले, बेटर है थोड़ा सा वेट कीजिए, एक बार सभी न्यूज़ को, सभी बैड न्यूज़ को सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे बेटर वे में डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।